आपके बिना शक्तिहीन हूं मैं, कुछ भी नहीं हूं। नहीं देव, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, पुरुष स्वयं में अधूरा होता है, एक नारी ही है जो उसे संपूर्ण बनाती है। नारी जो केवल पत्नी अथवा भार्या नहीं होती, वो इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। देवी, ये शिव आपको पाकर अपने अंदर एक समर्थ का अनुभव कर रहा। आप हमारा सामर्थ्य, महादेव शिव का सामर्थ्य, उनकी गौरी है। आप वचन दीजिए कि आप हमसे कभी दूर नहीं होंगे, अन्यथा इस शिव का अस्तित्व सदा सदा के लिए सृष्टि से मिट जाएगा। नहीं स्वामी। हाँ वचन दीजिए। मैं जो देख रहा हूं उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मृत्यु मेरे समीप खड़ी है। अब मेरे जीवन और मेरी मृत्यु के बीच में कोई दीवार बनकर खड़ा हो सकता है तो वो तुम हो मेरे मित्र। तुम मित्र, मेरा जीवन तुम्हारी धरोहर है। आज्ञा तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। महादेव शिव की तपस्या, महादेव शिव का तप, वो तप ही महादेव शिव को अपनी पत्नी पार्वती से दूर रखेगा। वो तप ही वही दीवार है जो मेरे जीवन और मेरी मृत्यु के बीच उत्पन्न होगा। मेरे मित्र, तुम महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए आज और अभी संतप करोगे। वो मंत्र जिसके अधीन महादेव शिव है उसका जाप करोगे। उस मंत्र की गूंज दशों दिशाओं में गूंजनी चाहिए, इतनी गूंजनी चाहिए कि महादेव शिव वरदान देने के लिए स्वयं प्रकट हो, क्योंकि शिव का वही वरदान अमृत होगा हमारे लिए। अमृत वही हमें अमृत प्रदान करेगा, क्योंकि अमृत की प्राप्ति ही पूर्णता है हमारी, तारकासुर की पूर्णता है। क्या बात है देवी, आपने अपनी दृष्टि क्यों फेर ली? स्वामी, आपकी आंखों में अथाह सागर की गहराई है, मैं उस गहराई में डूब जाऊंगी। स्वामी, देवी पवित्र प्रेम जीवन देता है, जीवन जीने की शक्ति देता है, और वो शक्ति ही है जो एक दूसरे को हर कठिनाई से निकाल देती है। स्वामी। हाँ देवी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हुआ स्वामी? ओम नमः। गौरी, आपने ये ध्वनि सुनी? ओम नमः शिवाय। हाँ स्वामी, कोई आपके नाम का जाप कर रहा है स्वामी। हाँ देवी, नमः। कोई हमारे लिए कठोर तपस्या कर रहा है। किंतु वो कौन हो सकता है? नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। स्वामी, आपकी मुखाकृति पर चिंता का भाव? नमः शिवाय। गौरी, प्रेम की इस पावन बेला पर तप की ध्वनि गूंजना शुभ संकेत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी का कठोर तप हमारी कड़ी परीक्षा लेगा। स्वामी, क्षमा करना प्रिय, हमें ध्यान में जाना होगा, हमें तप करना होगा और पता करना होगा कि इस तपस्या के पीछे कारण क्या है, कौन है जो तपस्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। किंतु स्वामी, प्रिय, जब कोई हमारी तपस्या करता है तो हमें सांसारिक सुख का त्याग करके तपस्या करना आवश्यक हो जाता है। देवी, आज्ञा दीजिए और हमें इस धर्म संकट से निकालिए, हमें तप करने जाना ही होगा। हम जानते हैं विवाह के पश्चात आज हमारे मिलन की रात्रि है और हम आपको हर्ष देने के बजाय आपके मुख पर उदासी छोड़कर जा रहे हैं। स्वामी, पत्नी का धर्म पति के धर्म की राह पर चलना होता है और हम आपको धर्म संकट में कैसे डाल सकते हैं। स्वामी, जो आपका प्रथम कर्तव्य है आप उसे पूर्ण कीजिए। हे देवाधिदेव, आपका कर्म आपका धर्म इस सृष्टि की सुचारू संरचना है और मेरा हर्ष और मेरी प्रसन्नता उसी में छिपी है। स्वामी, पार्वती, हमें आज्ञा दीजिए। दुर्गा शक्ति के पांच तत्व जीवन देते सृष्टि को, काल के तूने वश में कर लिया अग्नि जल धरती को। वायु और आकाश को भी करने चला अधी, यंत्र मंत्र षड यंत्र से कर लिया अपने अधीन। तत्व वश में किया बाद में दोनों तत्व, वश में हो गए दानव के सृष्टि के पांचों बहुत तेज बुखार है। मैं अभी वैद्यराज को लेकर आता हूं। हाँ, 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 हाँ।
दया करो, दया करो कोला नरेश, हम पे दया करो, बंद करो ये त्राही। बहुत विश्वास है तुम्हें अपनी दुर्गा पर, उसी की स्तुति करते हो तुम सब, तो जाओ उसके पास, जाओ, मांगो उससे मदद। मैं भी देखू तुम्हारा विश्वास बनाए रखने के लिए क्या करती है। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। श्वेतकेतु रुको, क्या कर रहे हो तुम? दीदी, माँ दुर्गा कहती है जब हम समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तभी हमें माँ से यश मिलेगा, तभी उनकी मदद मिलेगी। प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है दीदी, इसीलिए मैं कहता हूँ दीदी, जब तक हम स्वयं इन्हें बचाने का प्रयत्न नहीं करेंगे माँ दुर्गा भी हमारी सहायता नहीं करेगी। पंच तत्व के प्राण यह अलग नहीं दुर्गा से, मूर्ख ये दानव समझ सके ना, तत्व है सब दुर्गा के। दुर्गा अधीन सब तत्व है, दुर्गा अधीन सब शक्ति, कण कण दुर्गा के अधीन, दुर्गा अधीन यह श्रेष्ठ। आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है, हम आपका यह एहसान कभी भूल नहीं पाएंगे। एक तरफ आप इतने दयालु और निडर हैं, और एक तरफ आपके भ्राता हैं, जिन्होंने हमारी दया की भीख को अनसुना कर दिया। माँ दुर्गा की भी आप पर बहुत कृपा है। अब तो आप ही हमें कोला नरेश के अत्याचारों से बचा सकते हैं। मैं आपकी हर प्रकार की सहायता करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं भैया का सामना कैसे करूँगा? वो इतने शक्तिशाली हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। श्वेत केतु, मेरी माँ कहती है कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जिस पर माँ दुर्गा की कृपा होती है वही सबसे बड़ा होता है, विचारों में भी और कार्यों में भी। अगर तुम दिल से हमारी सहायता करना चाहते हो तो माँ दुर्गा भी तुम्हारी सहायता करेंगी। दीदी, सब मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं, भैया के अत्याचारों से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए सब मुझ पर निर्भर हैं। क्या मैं उनके विश्वास पर खरा उतर पाऊंगा? श्वेत केतु, तुम्हें याद है ना माँ दुर्गा ने स्वयं तुमसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इन गांव वालों को उत्कर्ष और उन्नति का मार्ग तुम ही दिखाओगे। असुरों के जीवन में परिवर्तन तुम लाओगे, उन्हें भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर तुम करोगे। श्वेत केतु, तुम्हारे द्वारा मैं ये प्रमाणित करना चाहती हूँ कि जो शक्ति भक्ति में है वो किसी भी अस्त्र और शस्त्र में नहीं। इन गांव वालों की मदद करना उसी मार्ग पर तुम्हारा प्रथम कदम है। तुम माँ दुर्गा पर विश्वास रखो, तुम उनके दिखाए रास्ते पर सबके साथ चल पाओगे। श्वेत केतु, हमारी आस्था इतनी दुर्बल नहीं है कि तप से प्राप्त की हुई कोई भी शक्ति उसे तोड़ सके। हमारी भक्ति भी एक तप है और दुनिया की कोई भी शक्ति हमारी भक्ति को नहीं तोड़ सकती। अब मैं तुम्हें माँ दुर्गा की आगे की कहानी सुनाती हूँ। ओम नमः। वक्रासुर का तप कठोर होता जा रहा था और तब लोकपाल और दिक्पाल
महादेव शिव शंकर के पास जाते हैं। त्राही माम, त्राही माम। महादेव शिव, रक्षा कीजिए, इस सृष्टि की रक्षा कीजिए। क्या बात है, आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? वृकासुर का कठोर तप अपना प्रभाव अग्नि के रूप में प्रकट कर रहा है। अगर महादेव शिव उसके सामने प्रकट होकर उसे वरदान नहीं देते तो सारा जगत जलकर भस्म हो जाएगा। वृकासुर के तप का फल उसे दे दीजिए महादेव, वरना उसका तप विनाश बनकर सृष्टि को निगल जाएगा। क्या हुआ स्वामी? गौरी, हम उसे वरदान नहीं दे सकते। परंतु क्यों स्वामी? तप का अंतिम फल तो वरदान ही है ना, तो आप उसे वरदान क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये वरदान हमारी एक और अग्नि परीक्षा लेगा। देवी, उसके इस वरदान के पीछे कुकृत्य छुपा है। हम उसे ऐसा कोई वरदान नहीं देना चाहते जिससे हमारी अग्नि परीक्षा हो और हम वचनों द्वारा बन जाएं। फिर इस सृष्टि का क्या होगा देव? इस सृष्टि को कुछ नहीं होगा। आप लोग अपने अपने लोक में जाइए, महादेव शिव वही करेंगे जो इस सृष्टि के हित के लिए होगा। जैसी आ गया। सृष्टि के हित के लिए आपको वो वरदान देना ही होगा जो वृकासुर चाहता है स्वामी। गौरी, आप नहीं जानती वो क्या चाहता है। हमने ध्यान में बैठकर उसकी मनस्थिति देखी है। वो वरदान हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होगा। देवी, उसका मन पवित्र नहीं है और अपवित्र मन को वरदान देना उचित नहीं है। किसी और के अकर्म की भय से क्या हम हमारे सत्कर्म को त्याग देंगे? स्वामी, आप इस मंत्र के कर्ता हैं। इस मंत्र की शक्ति आपसे जुड़ी है। आप इससे मुख नहीं मोड़ सकते। आपको उसे वरदान देना ही होगा। ओम नमः शिवाय। 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 वृकासुर, तुम्हारा तप हमें यहां खींच लाया। इतना कठोर तप किस लिए कर रहे हो? क्या चाहते हो? हे महादेव, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे महादेव, यदि आप मुझे तथास्तु का वचन दें तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम जो वरदान मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। मांगो। हे प्रभु, आप मुझे प्रचंड अग्नि की शक्ति प्रदान करें और वो शक्ति मेरे इन हाथों में केंद्रित हो। मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। तथास्तु। आज महादेव ने मुझे वो वचन दिया है जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया। अब मेरे हाथों में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि किसी को भी मैं भस्म कर सकता हूं। Ha ha ha!
मित्र तारकासुर, हमें वो वरदान प्राप्त कर लिया है जो हम चाहते थे। अति उत्तम मेरे मित्र, अति उत्तम। वो वरदान अब तुम्हारा है मित्र, केवल तुम्हारा। ये वृकासुर क्या कह रहा है देव ऋषि? नारायण नारायण, मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ देवेंद्र। ये कौन सा खेल खेल रहा है तारकासुर? ये मेरी ऐसी चाल है जो महादेव शिव भी नहीं समझ पाया। अब महादेव शिव का यही वरदान मुझे अमृत प्रदान करेगा, मैं अमर हो जाऊंगा। इसी वरदान से मुझे मेरी मृत्यु टलती हुई दिखाई दे रही है। मित्र वक्रासुर, तुम्हारे हाथों की हथेली में वो शक्ति है जो किसी को भी भस्म कर सकती है। इसलिए आज से मैं तुम्हें भस्मासुर कहूंगा, भस्मासुर। ठीक है मित्र, तो अब मुझे ये बताओ कि इस भस्मासुर को किसे भस्म करना है, किसे? उसी को जिसने तुम्हें यह वरदान दिया है। तुम्हारा मतलब है महादेव शिव को? हाँ, महादेव शिव को भस्म कर दो। शिव को महादेव शिव के भस्म होने का मतलब है सृष्टि का अंत। यदि तारकासुर अपनी योजना में सफल हो गया तो सृष्टि का अंत संभव है। ये कैसे कुविचार है तारकासुर के? तो जाओ मेरे मित्र, जाओ, जाकर महादेव शिव को भस्म कर दो, भस्म कर दो शिव को। ठीक है मित्र, हाँ, अब मैं अमर हो जाऊंगा, अमर। क्योंकि महादेव शिव के भस्म होते ही मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ना महादेव शिव जीवित बचेगा, ना ही कोई उसका पुत्र पैदा होगा जो मेरा वध करेगा, तारकासुर का वध करेगा। अरे ओ महादेव, कहाँ छिपा है, मेरे समक्ष आ। वृकासुर, तुम्हारा ये साहस कि तुम महादेव शिव का अपमान करो, तुम्हारी ये धृष्टता तो तुमने अभी देखी। ठीक है मित्र, तो अब मुझे ये बताओ कि इस भस्मासुर को किसे भस्म करना है, किसे? उसी को जिसने तुम्हें यह वरदान दिया है। तुम्हारा मतलब है महादेव शिव को? हाँ, महादेव शिव को भस्म कर दो शिव को। महादेव शिव के भस्म होने का मतलब है सृष्टि का अंत। यदि तारकासुर अपनी योजना में सफल हो गया तो सृष्टि का अंत संभव है। ये कैसे कुविचार है तारकासुर के? तो जाओ मेरे मित्र, जाओ, जाकर महादेव शिव को भस्म कर दो, भस्म कर दो शिव को। ठीक है मित्र, हाँ, अब मैं अमर हो जाऊंगा, अमर। क्योंकि महादेव शिव के भस्म होते ही मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ना महादेव शिव जीवित बचेगा, ना ही कोई उसका पुत्र पैदा होगा जो मेरा वध करेगा, तारकासुर का वध करेगा। अरे ओ महादेव, कहाँ छिपा है, मेरे समक्ष आ। वृकासुर, तुम्हारा ये साहस कि तुम महादेव शिव का अपमान करो, तुम्हारी ये धृष्टता तो तुमने अभी देखी कहां है, अब देखोगे तुम मेरी धृष्टता जब मैं तुम्हारे महादेव को भस्म कर दूंगा, भस्म। वृकासुर, चीखो मत।
पूरी सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारे शिव को मुझसे बचा सके। उनके दिए हुए वरदान से मैं उनको नष्ट करूंगा और ये मेरा लक्ष्य है। लक्ष्य और मेरा लक्ष्य है महादेव शिव की सुरक्षा। मैं नंदी और नंदी के रहते हुए सृष्टि का कोई भी तप, कोई भी बल महादेव शिव को छू भी नहीं सकता। तुम रोकोगे? तुम? हाँ, मैं रोकूंगा। यदि तुम में साहस है तो आगे बढ़कर देख लो, तुम्हारी जीवन लीला यही इसी क्षण समाप्त कर दूंगा। तो अब तुम मुझे ये शस्त्र दिखाकर भयभीत कर रहे हो? तो ठीक है, अब मैं तुम्हारा घमंड तोड़ूंगा और महादेव के पहले मैं तुम्हें भस्म करूंगा और वो भी शस्त्र समेत। लो। हाँ। रकासुर! मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था महादेव, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वृकासुर, हमें ज्ञात था कि हम जो वरदान तुम्हें दे रहे हैं, तुम एक दिन उसी वरदान का शस्त्र बनाकर हमारे समक्ष खड़े हो गए। फिर भी हमने तुम्हें वरदान दिया क्योंकि वो हमारा धर्म था। किंतु तुमने हमारे वरदान का दुरुपयोग किया। अब देखना, यही वरदान तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा और श्राप बनकर तुमसे तुम्हारा जीवन छीन लेगा। मेरी छोड़ो महादेव, अपनी सोचो, क्योंकि अब मैं तुम्हें भस्म करने वाला हूं, भस्म करने वाला हूं। जो अविनाशी है उसका विनाश कोई कैसे कर सकता है? फिर तुम हमारा विनाश कैसे कर सकते हो? तुम्हारे दिए हुए वरदान से मैं तुम्हें ही जलाकर भस्म करूंगा, तुम्हें जलाकर भस्म करूंगा। अरे ओ महादेव, अदृश्य होकर तू भागेगा कहां? आकाश में, पाताल में मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें समाप्त करके ही रहूंगा। माते, 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 अनर्थ होने वाला है माते। क्या हुआ पुत्र? माते, वृकासुर महादेव शिव शंकर को भस्म करने आया था और महादेव कह रहे थे कि उनका कोई भी शस्त्र उसका वध नहीं कर सकता। माते, आपको भय नहीं लग रहा है? पुत्र, महादेव शिव अविनाशी हैं, तो फिर उनका नाश कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं बिल्कुल भयभीत नहीं हूं। परंतु माते, महादेव शिव शंकर कैलाश छोड़कर अदृश्य हो चुके हैं और वृकासुर उनको चारों दिशाओं में ढूंढ रहा है। आकाश, पाताल, सब दिशा एक कर दी है माते। पुत्र, हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है, तो फिर यह समस्या अकेली कैसे होगी? तुम सब निश्चिंत रहो, महादेव शिव मेरे पति हैं, मेरा आधा भाग है वो। मेरे उस भाग को कोई वरदान कैसे छीन सकता है? यदि किसी ने ऐसा प्रयास भी किया तो मैं उसे सृष्टि से ही विलुप्त कर दूं। आप सब लोग निश्चिंत रहें। देवी पार्वती क्या करेंगी? देवऋषि, वृकासुर का विनाश वे कैसे कर सकती हैं? ये वृकासुर तो उन्हें भी जलाकर भस्म कर सकता है। चिंतित तो मैं भी हूं देवेंद्र, परंतु
परंतु माता पार्वती का विश्वास देखकर ऐसा लगता है कि वो ऐसा कुछ अवश्य करेंगी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। अरे ओ शिव, अरे ओ महादेव, अरे ओ भोलेनाथ, कहां है तू? अरे ओ शिव, अरे ओ महादेव, कहां छिपा है तू? और कब तक छिपेगा? एक न एक दिन मैं तुझे ढूंढ ही निकालूंगा, और जिस दिन ढूंढूंगा वो दिन तेरा अंतिम दिन होगा। उसी दिन मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। महादेव, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुर्गाये दुर्ग पाराये साराये सर्वकारिण्ये ख्याते तथैव कृष्णाये धूम्राये सततं नमः धूम्राये सततं नमः अति सौम्याति रौद्राये नतासस्यै नमो नमः नमो जगत् प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः देव्यै कृत्यै नमो नमः। देवी, ये आप क्या कर रही हैं? वही जो इस समय एक सुहागन को करना चाहिए, अपने सुहाग की रक्षा। नहीं गौरी, हम आपका जीवन दांव पे नहीं लगा सकते। आपका जीवन हमारे लिए अनमोल है। स्वामी, मुझसे अधिक इस सृष्टि को आपकी आवश्यकता है। मुझे आवश्यकता है आपकी मान और सम्मान की। वक्रासुर ने मेरे पति के मान और सम्मान को चुनौती दी है, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकती। गौरी, वक्रासुर एक दानव है और हमारे दिए वरदान द्वारा वो अभेद हो गया है। इस समय उसका विनाश संभव नहीं है। आपका यह प्रयास आपको मृत्यु के मुख पर ले जा सकता है। देवी, वो आपको जलाकर भस्म कर सकता है। एक बार हम आपसे बिछुड़ने की वेदना सह चुके, अब और नहीं सह पाएंगे। स्वामी, जिस अग्नि में मेरे पति की प्रतिष्ठा और उनकी पहचान दांव पर लगी हो, उस अग्नि में मैं स्वयं जलकर भस्म होना स्वीकार करूंगी। यही कार्य एक बार पूर्व जन्म में मेरे पिता श्री दक्षराज ने किया था। और उन्हें उनका फल मिल गया था। आज फिर वही कार्य वक्रासुर करने जा रहा है। मेरा यही प्रयास उसके अंत का कारण बनेगा। आप निश्चिंत रहें स्वामी, इस बार मैं आपको वेदना नहीं दूंगी, क्योंकि इस बार मैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेकर जा रही हूं, और यही आशीर्वाद मेरा रक्षा कवच होगा। मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी। हे योगीराज, हे योगीराज, नैना खोलो प्रिय नैना खोलो। रूप रंग
हे सुंदरी, कौन हो तुम? मैं मोहिनी हूं। मन को मोहना ही मेरा कार्य है। अति सुंदर, बहुत प्यारा नाम है, परंतु इस निर्जन पर्वत श्रृंखलाओं में किसे मोहित करना चाहती हो? कोई देव जो मेरी तरह नृत्य कर सके। दानव नहीं? क्यों नहीं, अगर वो मेरी तरह नृत्य कर सके तो? क्यों नहीं, मुझे बताओ, मैं भी कर सकता हूं। सोच लो। इसमें सोचना क्या है, वृकासुर नाम है मेरा। तो ठीक है। छल किया है। छल तो तुमने भी किया था वक्रासुर। क्या वो तप और वो वरदान एक छल नहीं था? जिस छल ने तुम्हें मेरे पति महादेव शिव को भस्म करने की प्रेरणा दी, देखो आज वही छल तुम्हें भस्म कर रहा है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा दुष्ट, कोई नहीं। तारकासुर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सारी घटना, ये सारा प्रसंग उस दानवराज तारकासुर की देन है। और उसने तो आपको भी नहीं छोड़ा महादेव। वृकासुर को आगे कर ये षड्यंत्र तारकासुर नहीं रचा था। हमें ज्ञात है देवर्षि, सब ज्ञात है। फिर भी आप चुप हैं महादेव। आप जानते हैं कि तारकासुर का विनाश किसके हाथों से? इसके हे महादेव, हे माता पार्वती, हम देवगण को अनुग्रहित कीजिए, पुत्र को जन्म देकर उस तारकासुर के मृत्यु का मार्ग प्रशस्त कीजिए। देवेंद्र, समय से पूर्व कुछ भी नहीं होता। विधि ने अपने विधान में भी यही लिखा है और अब वो समय आ गया है। तारकासुर धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। जिस दिन उसके अंत की घड़ी आएगी, उसका विनाश हो जाएगा। देवेंद्र, उसकी मृत्यु के लिए यथाशीघ्र हमारे पुत्र का जन्म होगा। हमारे पुत्र का जन्म होगा।
आप सभी देवगण, देव ऋषि निश्चिंत होकर अपने अपने लोक जाइए और तारकासुर की मृत्यु की प्रतीक्षा करिए। आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? स्वप्न ये सत्य है स्वामी, आप पिता बनने वाले स्वामी। ये क्या स्वामी? गौरी, एक पुरुष के लिए पिता बनने का सुख, एक स्त्री के लिए माता बनने का सुख इस सांसारिक जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है, और आज आपने वो सुख हमारी झोली में डाल दिया। दानवराज, अनर्थ हो गया दानवराज। अब क्या अनर्थ हो गया दूत? पार्वती माता बनने वाली है, महादेव शिव का औरस पुत्र जन्म लेने वाला है।